आत्म ज्योत की ओर चलें, हम जीवन यात्रा की ओर चलें। इस जीवन यात्रा पर जो भी उतरा वो कृतकृत्य होकर के आया, वो भरपूर होकर आया, वो पूर्ण स्वस्थ होकर के आया, वो सौंदर्य के शिखरों पर लहलहाता हुआ आया, वो स्वस्थ पूर्ण होकर के रहा। अपनी ओर, अपने स्रोत की ओर, अपने स्वभाव की ओर बढ़ते चले आना। बहुत रह लिए हम मन के साथ, बहुत जी लिए हम मन की दुनिया में, बहुत नाच गाना कर लिया हमने मन के बाजार में। अब थोड़ा अनहद की ओर आना, अब थोड़ा इस शाश्वत संगीत की ओर आना, अब थोड़ा अपनी ओर, अपने भीतर आना। मन से हट करके, विचारों से हट करके, अब थोड़ी देर के लिए तो अपने शिव नेत्र में आना। मन की गोदी में सोए सोए, मन के हिप्नोटिज्म में सोए सोए समोहित हुए ये सारा जन्म गुजरा जा रहा है। थोड़ा सा जो बचा है इसे अपने मालिक के हाथ में दे देना। माइंड के हाथों बहुत लुट गया है, थोड़ा सा बचा है अपनी जागरण, अपनी होश, अपनी सुरती में उड़ेल देना। तुम जगमगाते हुए जीना, बीत गई सो बीत गई, बीते हुए का जिक्र नहीं करना, आने वाले समय की फिक्र नहीं करना, जमाना हाल में थक्कड़ करना, वर्तमान में रहना, थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना, थोड़ा मिडल में रहना, थोड़ा शिव नेत्र में रहना, थोड़ा अपने स्रोत में रहना, स्वयं में स्थित होकर के रहना, अपने स्वभाव में रहना। थोड़ी देर के लिए साक्षी, दृष्टा, अकर्ता हो जाना और जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को। बहुत सहज, सरल, साधारण होते हुए बाहर बहती 80% एनर्जी को, 80% ऊर्जा शक्ति को जो बाहर यूं ही वेस्ट होती चली जा रही है बाहर की आंखों से, यूं ही व्यर्थ में जा रही है, वह दोनों पल के मुंद करके उस बाहर बहती ऊर्जा को भीतर की ओर बहने देना, अपने स्रोत की समृद्धि में उतरने देना। बाहर की दोनों पलके मूंदते ही आप स्वयं ही देखने लगते हैं, आपको जो जो दिखाई देता है उसे देखना, जो भी दिखाई देता है उसे देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, अपनी ओर से कोई पॉइंट को बिंदु नहीं बिठाना। आप सहज, सरल, साधारण रूप में जैसे बाहर के जगत को देखते हो बाहर की आंखों से, ऐसे थोड़ी देर के लिए बाहर से हट जाना और भीतर की आंख में साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में उतर जाना। यू बी सीयर, बी विटनेस, बी एन ऑब्जर्वर, be a non-doer for a while and watch, simply watch, watch your mind, watch your thoughts, watch, watch whatever happening before you inside, you simply watch that. केवल देखते रहना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना अपने मन की गति को। मन से हट करके मन की गति को देखना, मन से हट करके मन माया को देखना, मन से हट करके मन की हर स्थिति को भांपते रहना, देखते रहना।
उसकी एक्टिविटी में तनिक मात्र दखल नहीं देना। यू आर ए नॉन डूअर, तुम अपने स्वभाव में रहना। माइंड की डूइंग्स को देखने वाले हो, देखते रहना, दखल नहीं देना मन की गति में। मन को कुछ नहीं कहना, माइंड को कहीं किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर फोकस नहीं करना। मन को किसी शब्द के साथ भी नहीं जोड़ना, जुड़ता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो कहीं टिक भी नहीं सकता, वो कहीं लग नहीं सकता। परंतु मेडिटेशन के इस प्रोसेस में, मेडिटेशन की महान धारा में, अंतस्थ ध्यान की महान सरिता में, हमने बहते चले जाना है। हमने ना तो मन को लगाना है और ना ही समझाना है। हमने मन के प्रति कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना। सब यत्न फेल हो गए, सब प्रयास फेल हो गए। स्टैग्नेशन आती है, जहां ना उदासीनता है ना उदासी है, यूं ही टेस्टलेस स्टेट आती है, जहां अनेकों प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मत आने देना, ये तेरे हाथ में है। आप मन से हटते चले आना, विचारों से हटते चले आना। मन को हटाना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं, सुप्रेस नहीं करना। नो सुप्रेशन, नो रिप्रेशन, नो आइडेंटिफिकेशन, नो अटैचमेंट। आप किसी प्रकार से भी मन के प्रति कोई कोशिश मत करना। तुम देखने वाले हो, इसकी गति को देखते रहना। ओम ओंकार आमीन। दर्द से मेरा दामन भर दे, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ओ मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, ओ माय लविंग लिविंग मास्टर। एक ही पुकार उठाते हैं तेरे दीवाने, तेरे प्यासे, तेरे रिंद। दर्द से मेरा प्रभु, प्यास से मेरा प्रभु, प्रीति से मेरा दामन भर दे। तुम्हारी प्यास की पातियां पहुंचती है स्टेज पर, इसी शब्द के लिए। प्रार्थना लेके आती है, रिक्वेस्ट लेके आती है। आप इसे दर्द में डूब जाना। दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर, दर्द से मेरा दामन भर, दर्द से मेरा दामन।
मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे थे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। दर्दे दिल बेदार नजर दे फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्दे दिल बेदार नजर दे फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। बाहर सूरज उगता तो हम देख चुके, बाहर सूरज, बाहर के आकाश में प्रतिदिन हर रोज डेली सूरज उगता हर रोज हम तो देख चुके। भीतर की कोई किरण उगा दे फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। भीतर की कोई आँख बना दे फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। प्रभु प्यास, प्रभु दर्द, प्रभु की दीवानगी, ये मेडिटेशन अपने आप में आश्चर्यपूर्ण है। इतना आश्चर्य छलकता है इस प्यास में कि बड़े बड़े शिखर भी इस दुनिया के इनसिग्निफिकेंट लगते हैं उसके प्यास के बिना। उसके दर्द, उसकी दीवानगी के सामने दुनिया भर का ऐश्वर्य दो कौड़ी का हो जाता है। ये ऐसा गजब का ऐश्वर्य है उस परमात्मा का, जिस पे भी उतरा वो चारों युगों में आबाद हुआ, जिस पे भी उतरा वो चांद सितारों की तरह जगमगाया, जिस पे भी उतरा वो सूर्य की तरह, महासूर्य की तरह, सूर्यों के भी सूर्य की तरह सब लोगों को जगमगाता चला गया। इतना पोटेंशियल, इतनी पॉसिबिलिटी हर इंसान के भीतर निहित है। हर इंसान के भीतर यह क्षमता है। अगर वो बाहर के जगत में इतने बड़े शिखर खड़े कर सकता है ज्ञान विज्ञान के, तो भीतर आत्म ज्योत, आत्म अनुभव के भी खड़ा कर सकता है।
वो इस सुपर साइंस के भी शिखरों को जगमगा सकता है, जहां से सारे शिखर निकले हैं बाहर, उस शिखरों के शिखर को जगमगा सकता है। तो तेरे भीतर इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल पोटेंशियलिटी है, इतनी संभावना है तेरे कदमों पर कि तू कभी भी इस जगत के अंदर दरिद्र गरीब होकर के नहीं रह सकता। दरिद्रता गरीबी मत समझना, ये बाहर की नहीं, तेरे भीतर की है। बाहर की गरीबी दुखदायी नहीं जितनी तेरे भीतर की है। रात नींद नहीं आता, हाइपरटेंशन है, इंसोमनिया है, अर्थराइटिस ने पकड़ा, टेंशन स्ट्रेस पैनिक एंग्जाइटी ने तेरी विल पावर को कमजोर करके रख दिया। ना जाने कितने मनोरोग हृदय रोग छोटी छोटी आयु में तूने घर कर लिया है। छोटी छोटी आयु में तूने इतनी बहिर्मुखता इतनी एक्सट्रोवर्ट एस्पेक्ट को तूने महत्व दे दिया कि तू अपना इंट्रोवर्ट पहलू ही पूरी तरह भूल गया। तो एक पंख से उड़ारी मारना चाहता है। दुनिया की कोई ताकत एक पंख से नहीं उड़ सकती, दो पंख चाहिए बाहर भीतर की उड़ारी करी। बैलेंस और ब्लेस दोनों साथ साथ घटित होता है। जहां बैलेंस है वही ब्लेस है। भीतर बाहर दोनों ओर का जागरण जिसके पास है, दोनों ओर का जगराता जिसके पास है, दोनों ओर की अवेयरनेस जिसके पास है, वो इस संसार में कभी भी दुखी जीवन नहीं जी सकता। चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, चाहे वो महलों में रहता हो, चाहे वो कंगली में हो, चाहे वो बंगली में हो, चाहे वो महलों में हो और चाहे वो कंगाली में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मनोरोग हृदय रोग आज झोपड़ियों में भी घर कर गया है। कितनी एम्बिशन, कोई बुरी नहीं, कदाचित भी कंडेम ना करना बाहर की एम्बिशन को। ये एम्बिशन दिन रात पिरोना, जी भर करके पिरोना, किंतु भीतर की प्यास रख करके पिरोना। फिर क्या होगा, रिजल्टेंटली परिणाम क्या होगा? अगर भीतर प्यास और बाहर भले तो कितनी दौड़ लगाना, बाहर कितनी भी दौड़ लगाना, अगर तू भीतर अपने आप से कनेक्टेड है, अपने स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो तेरी एनर्जी में तेरी ऊर्जा में तनिक मात्र कमी नहीं आएगी। बाहर की दौड़ में जो टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन उतरता है उसको एकदम विदा करने के लिए तू एक डुबकी भीतर लगाए रखना, अपने भीतर के जागे में उतरे रहना, अपने घर की ओर अपना रास्ता नापते रहना, अपने घर में प्रवेश करते रहना, अपने घर में रहना, आना जाना बाहर, रहना तुम अपने शिव नेत्र में, पास्ट और फ्यूचर में आना जाना, बाहर आना जाना, भीतर रहना। ये छोटी सी युक्ति तुम पिरो लेना, तमाम एम्बिशंस आप जी भर करके उसको फुलफिल करना। फर्क इतना ही होगा, भीतर और बाहर के जागरण के साथ उतरने वाले तेरे और अन्य लोगों में भेद इतना ही होगा कि अगर एम्बिशन फुलफिल होती है तो भी वाह वाह, और अगर नहीं होती तो और भी वाह 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 वाह। एकमात्र तेरी जिंदगी का स्वभाव है जो वही पिरोते चले जाना। सक्सेस मिले तो वाह वाह, फेलियर मिले तो वाह वाह, बार बार उठना, बार बार जगना, बार बार आना जाना, बार बार अपने शिखरों की ओर बढ़ना, बाहर की जी भर करके तुम एक्सप्लोर करना, बाहर के जगत को जी भर करके तुम इस नेचर को प्रकृति को एक्सप्लोर करना, जी भर करके तुम बाहर के शिखर बनाना। किंतु सिकंदर की तरह खाली हाथ नहीं जाना। अगर तू भारत में जन्मा है, अगर तू भारत मां की संतान है, तो सिकंदर की तरह खाली हाथ ना जाना, तुम अकबर की तरह दो आंसू लेके ना जाना, तुम जूलियस सीजर की तरह हाय हाय करता ना जाना, तुम कार्नेगी की तरह पश्चाताप लेकर के ना जाना, तुम भरपूर हाथ जाना, जाना ही नहीं, सदा सदा के लिए लहलाहाना इस भारत भूमि पर। घर तेरे भीतर ये जागरण, ये होश, ये बैलेंस, ये संतुलन स्थित हो जाए, घटित हो जाए।
अगर तू अपने स्रोत से निरंतर जुड़ा रहे, अपने शिव नेत्र से निरंतर जुड़ा रहे और पुनः इसी में आना जाना तेरा रहे, इस जगत में तेरा आना जाना रहे, ये कनेक्शन तुझको तनिक मात्र भी डुअलिटी में फंसने नहीं देगा। इस द्वंद में, इस दुई में, द्वैत के जगत में तुझे तनिक मात्र भी फंसने नहीं देगा, क्योंकि तेरे पास एक बैटर टेस्ट होगा। तो दुनिया भर की प्राप्तियों के सामने ये टेस्ट तेरा, ये स्वाद तेरा, ये रस तेरा भीतर का सर्वोपरि रहेगा, उत्कर्ष रहेगा। ये शिखर तेरा दुनिया के किसी भी टेस्ट और स्वाद से कदाचित भी कितना भी कंपेयर कर लेना, कितना भी तुलना में उतर लेना, ये शिखर तेरा सर्वोत्तम और उत्कृष्ट रहेगा, उत्कर्ष रहेगा। इसके सामने सारे टेस्ट टेस्टलेस हो जाते हैं। इसके सामने दुनिया भर का कोई टेस्ट, भोगों का कोई टेस्ट, कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी अनुभव, कोई भी टेस्ट स्वाद तुच्छ पड़ जाता है, बहुत छोटा छोटा। बहुत तुच्छ मात्र लगता है। ये इतना अद्भुत अद्वितीय टेस्ट है तेरे अपने भीतर का, तेरी सुरति का, तेरे जागरण का, तेरी होश का, जो तुझे टोटल लाइफ देता है। धन्य धन्य हो जाएगा तू उस वक्त, बाहर भीतर के शिखरों को समन्वित रूप देगा, जिस दिन तू अपने भीतर के शिखर को लेकर के बाहर के शिखरों पर उतरेगा, तो धन्य धन्य हो जाएगा। दिशा देना सही सही, अगर तेरे भीतर थोड़ी सी भी प्यास है प्रभु के लिए, तो दिशा सही सही देना एक दूसरे को, एक दूसरे को। आज भारत के अंदर कमी केवल मात्र इस भीतर की नियत की है। नियत खराब क्यों है आज? क्योंकि भीतर की आंख नहीं है, ये विजडम की, प्रूडेंस की, विवेक की आंख नहीं है। ये स्वार्थ ही स्वार्थ क्यों है? क्योंकि निष्कामता की चिंगारी तेरे भीतर जगमगाई नहीं है। तेरे भीतर कोई जागरण, कोई होश, कोई सुरति, कोई विवेक जगा नहीं है। इसलिए हर एक कदम पर, हर एक बात में, हर एक चीज में, हर एक काम में सर्वप्रथम तुझे अपना स्वार्थ दिखाई देना चाहिए। स्वार्थ पूर्ति स्वभाव है इंसान का, नहीं गलत, ये आदत है इंसान की, स्वभाव नहीं है, स्वभाव है कर्म के लिए कर्म करना, ना कि किसी फल हेतु कर्म करना। वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क, नॉट फॉर एनी एक्सपेक्टेशन और रिटर्न। वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क विल हेल्प यू टू बी ब्लेसफुल, इट लीड्स यू बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड डुअलिटीज, इट मेक्स यू यूनाइटेड, इंटेग्रेटेड। ये कब होगा? यही है गीता, यही है वेद, यही है उपनिषद। वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क विल मेक योर नेशन, योर सोसाइटी, योर लाइफ एज ग्रेट एज यू वांट टू बी, बट यू विल नो लॉन्गर बी अ स्लेव ऑफ योर माइंड, यू विल नो लॉन्गर बी द स्लेव ऑफ योर माइंड, यू विल बी द मास्टर। और ये एकमात्र तेरी उपलब्धि, ये प्राप्ति सुपर साइंस कहलाती है। यू मे बी ग्रेट बट यू आर नॉट ए टोटल, और टोटलिटी जब तक तेरे पास नहीं, टोटल लाइफ, टोटल अवेयरनेस तेरे पास नहीं, तो इंसान तो कभी भी भरपूर हाथ नहीं जा सकता, तो खाली हाथ ही लौटेगा। इसलिए जिसने भी इस टेस्ट को डेवलप किया अपने भीतर के कनेक्शन में, जो टेस्ट उतरा अपने भीतर की रिमेम्बरेंस में, सेल्फ रिमेम्बरेंस में, सेल्फ डिस्कवरी में, जो टेस्ट उतरा, जो स्वाद उतरा अपने होने का, अपनी बीइंग का, अपनी एग्जिस्टेंस का,
उसके सामने दुनिया भर के देश तुच्छ पड़ गए, छोटे पड़ गए, कणमात्र हो गए। फिर उनके लिए तमन्ना तो नहीं बची, किंतु फिर भी तू अपने कर्म क्षेत्र में उतरा, फिर भी तू उतरा कर्म के लिए कर्म करना, ये तेरा स्वभाव है, ना कि एक्सपेक्टेशन करना, एक्सपेक्ट नहीं करना। इतना कहने मात्र से थोड़ा ही सार्थक हो जाएगा? नहीं, ये सुनने सुनाने से नहीं होगा, ये भीतर के जागरण से होगा, भीतर की होश से होगा, भीतर की सुरती से होगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की याद और स्मृति को साथ साथ बनाए रखना है। अगर संसार में तूने सुखद जीवन जीना है और यही एकमात्र तेरी जिंदगी का महान जगमगाता हुआ स्वभाव है, जहां तू दोनों ओर जागा है, बहुत जागे पुरुष तुझे पुकार पुकार करके कहते हैं, ओ इंसान तू जाग, और ये मेडिटेशन का आलम भी तुझे जगाने आया है। किसी प्रकार का कोई पठन पाठन कराने नहीं आया, किसी प्रकार की कोई कथा सुनाने नहीं आया, किसी प्रकार का कोई प्रवचन करने नहीं आया, किसी भी प्रकार से तुझे नॉलेजिएबल बनाने नहीं आया। तेरी बुद्धि के तर्क भले कितने भी उठे हों, तेरी बुद्धि की खुजली को शांत करने आया, तुझे बुद्धि से हृदय की ओर उतारने आया, तुझे माइंड से मास्टर की ओर ले जाने के लिए आया, तुझे नॉन से अननॉन की यात्रा पर उतारने आया, तुझे भीतर की गंगा में स्नान करवाने आया। ये तनिक मात्र भी तुझे सुनने सुनाने के लिए नहीं आया, केवल जगाने के लिए आया। तुम जागना, जागना ही जीवन है, जागना ही स्वास्थ्य है, जागना ही महाशक्ति है, जागना ही एकमात्र तेरा सुख शांति आनंद मस्ती बेपरवाही का शिखर है। जागना, अपने माइंड के प्रति जागना, अपने आप में जागना, अपने आप में लहलाहा लेना, थोड़ा अपने आप में थोड़ा रह लेना, थोड़ा अपने स्वभाव को जगमगा लेना, थोड़ा अपने सुरते में रह करके देख लेना, तो कितना गजब का पावरफुल इंसान है, तो कितनी गजब की लहलाहाती हुई उस परमात्मा की महाशक्ति का स्वरूप है, तो क्या गजब का अस्तित्व है अपने आप में। इसी एकमात्र अस्तित्व को उपलब्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड से हटकर की जीना होगा, और ये मेडिटेशन तुझको संभावना का रूप प्रदान करती हुई, संभावना का दीप प्रदान करती हुई, ये पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हुई, ये दिशा प्रदान करती हुई तेरे जीवन को सुखद बना देना चाहती है। इसलिए आज पुकार पुकार करके जागे पुरुष कहते हैं, कहां जा रहा है तू ए जाने वाली, कहां जा रहा है अंधेरी है मन की, दिया तो जला ली, कहां जा रहा है।